हेलो फ्रेंड्स, सबको स्वागत है हमारे आज के व्लॉग पे। आज पेलिंग पे हमारा दूसरा दिन है और हम लोग अभी निकलने वाले हैं। आज 15 फरवरी और अभी समय हुआ है 9:16। आज का हमारा पहला डेस्टिनेशन सस्पेंशन ब्रिज, जो कि हमने छोड़ के आए थे परसों, आके देखे कि उसी रास्ते में था। तो थोड़ा अभी जाना होगा पीछे की तरफ 21 किलोमीटर, तो उसके बाद यहाँ पे रुइंस पे जाएंगे और फिर उसके बाद राव बांग्ला में एक व्यू पॉइंट है, देख के नामची की तरफ हम लोग चले जाएंगे। हम लोग कल देख पाए थे कंचनजंगा, लेकिन आज पूरा वहाँ पे क्लाउड भी है और थोड़ा बहुत फॉग भी है, तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और सूरज भी यहाँ पे पूरा ढक चुका है। तो नसीब अच्छा था तो हम देख पाए। उसी जगह पे आ गए हैं जहाँ पे परसों पास हुए थे ना, बहुत बड़ा झरना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दाएं तरफ का जूता, ये जूता बिक गया, पैर रखना पड़ा ना एक बार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सूख जाएगा। यहाँ पे एक जगह रुक गए हैं, बहुत ही अच्छा नज़ारा है, वैली है, चारों ओर पहाड़ है और बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ से। गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया हूँ, अभी जाएंगे ब्रिज की तरफ, चलो चलते। ये देखो तार दिख रहा है, ये तार से बंधा हुआ है ऊपर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखो एक झरना भी है, यहाँ से एक बार नज़ारा देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर है ना। हम लोग सोच रहे थे कि कैसा होगा, मतलब कैसा होगा, मतलब डरावना लग रहा था। हाँ, कि ये जो ब्रिज है ये तो लोहे के बना है, मैं कुछ और सोच रही थी। अच्छा ठीक है, तो अभी ठीक है ना। ठीक ठाक आ गया। बाट पार्क है, टिकट ले लिए हैं 100%, बाइक बाहर पे ही है। यहाँ पे मैप देख लो, किस तरफ से किस तरफ जाना है। हाँ पिजियन का, अच्छा मयूर का है। भूख लग गया है जोर से, है ना, ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं एक चिकन मोमो और एक प्लेट चाउ। शुक्रवार यहाँ तो जोरे खिदे पे आज थकते वालों ना, पेस्ट्री नहीं चले लो, कारण चाउमिन होते देरी हो एन है। तो शुक्रवार को इतना भूख लगा है ना, वो पेस्ट्री लेके चले आई है। थैंक यू। पहले ये मोमो टेस्ट करके देखते हैं। हाँ देखो,
अभी हम लोग जा रहे हैं बार्ड पार्क में, सुंदर सुंदर पंछियों का पिक्चर लगा हुआ है और इस तरफ है। अभी हम लोग आए हैं पिंजरे के अंदर, ये देखिए सामने पंछी है, देखिए उड़ रहे हैं हाथ के पास एकदम, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। ये देखिए कितना नजदीक है पंछी। हालत थोड़ा ख़राब हो रहा है उड़ने में, लेकिन आज बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ आज बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि पंछी देख के हमारा दिल एकदम खुश हो गया, बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे एक ही जगह में हम लोग यहाँ का जो राजधानी का जो डिस्ट्रॉयड जो एरिया है ना वो भी देख पाएंगे, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। बादलों के बीच से सूरज की किरणें गिर रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ से ज़्यादा दूर मत जाओ, यहाँ से भी नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। सामने का नज़ारा देखिए, जगहटा व्यापक ना, दारुण एक जगह दिए जाते हैं हम। हाँ जेमन सुंदर सरकम भयानक। रास्ते पे एक जगह पे हम लोग रुके हैं क्योंकि सामने है ये नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे एक सब्जी का छोटा दुकान भी है, इटा एखानकार आलू लाल लाल हो जाए, एक धरण शाक, एटाओ शाक, एटाओ शाक, और एटा कपि फुलकपि। नीचे चाष हो जाए वही सब्जीगुलो एखाने बिक्री होच्छे। यहाँ से थोड़ा बहुत आलू भी ले रहे हैं हम लोग, और 60 रुपया किलो है। क्योंकि आलू ले रहा है इसलिए क्योंकि ये लेके जा सकते हैं घर में, है ना, खराब नहीं होगा। हम लोग पहुंच ही गए हैं रावंगला, और अभी समय हुआ है 5:17। तो अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे बुद्ध पार्क पे। भगवान बुद्ध जी का एक बड़ा सा मूर्ति है, दोनों का लगेगा 160 रुपीज़।